आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में कैसे बदला जाता है। यदि आपको कोई वर्ब दी गई है और आप चाहते हैं उसे एडजेक्टिव रूप देना चाहते हैं, ठीक। जो परीक्षा में भी अनसीन पैसेज में पूछा जाता, कोई वर्ब दी जाती है और कहा जाता है एडजेक्टिव फॉर्म बताइए उसका, तो एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बताया जाता है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो वर्ब से एडजेक्टिव यदि बनाते हो तो उसके तीन नियम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तीन नियम हैं, ठीक है। वो किस प्रकार के नियम होते हैं? पहला नियम हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, वर्ब में ए बी एल ई एबल जोड़ने से एडजेक्टिव बन जाता है। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं वर्ब की सहायता से, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना होता है, ठीक। एक्सेप्ट में ए बी एल ई और जोड़ दो तो एक्सपेक्टेबल जे हो जाएगा उसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, अचीव। अचीव मतलब होता है हासिल करना होता है, और अचीव एविल हो जाएगा, एविल बस और जोड़ दो, लेकिन अब ई को हटा दिया गया, अचीव एविल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, एडजस्ट देखते हैं, एडजस्ट एबल, एडजस्ट का इसमें भी एविल जोड़ने से बन गया है। फिर देखते हैं एडमायर, ठीक है। एडमायर जो होता है, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक। तो एडमायरेबल हो जाएगा, ठीक है। ई जो है वो हट जाएगा और ए बी एल ई आ जाएगा, एडमायरेबल हो जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो है, एडवाइज। तो एडवाइज में भी ई है तो ई को हम हटा देते हैं, एडवाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। एडवाइज मतलब सलाह है, देना होता है। और फिर अप्रोच, अप्रोच मतलब पहुंचना होता है, अप्रोच में भी एल ई जोड़ दिया, एबल, तो अप्रोचेबल हो जाएगा। फिर देखते हैं अवॉइड, अवॉइड में भी अवॉइडेबल, ए बी एल ई और जोड़ा गया है, अवॉइडेबल। फिर देखते हैं अगला जो है, बिलीव। बिलीव में भी देखते हैं, बिलीव एबल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कम्फर्ट, कम्फर्ट में भी एबल जोड़ा गया तो कम्फर्ट एबल हो जाएगा। फिर क्रेडिट जोड़ते, क्रेडिट 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 एबल हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला जो है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन एबल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं मूव, मूव का मूव एबल हो जाएगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और उनमें सब में देखा कि ज़्यादातर जो है वर्ब में ए बी एल ई जोड़ देने से एडजेक्टिव फॉर्म आ जाता है। जैसे इन सब वर्बों में हमने ए बी एल ई जोड़ते गए, ठीक है, तो फॉर्म आ गया एडजेक्टिव फॉर्म, और जिनमें ई था ई को रिप्लेस करते गए, बस। सेकेंड नियम देखते हैं, वर्ब से यदि एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वर्ब में अब टी आई वी ई जोड़ा जाएगा, टिव, ठीक है। एडजेक्टिव उससे प्राप्त होगा तो टी आई वी ई जोड़ना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्ट का कलेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, और एक्ट का एक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, और अट्रैक्ट का अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक। अटेंड, अटेंड का होता है सबसे पहले अटेंट, ठीक है, अटेंट अटेंटिव होगा फिर, क्योंकि अटेंड जो क्रिया है, अटेंट पहले होता है उसका नाउन फॉर्म, अटेंटिव होगा फिर उसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इसमें डी जो है वो टी में बदल जाता है। जैसे क्रिएट, क्रिएटिव हो जाएगा, ई जो है हट गया है, और डिसाइड का डिसीव हो जाता है, ठीक है ना, डिसीव हो जाएगा इसका। और फिर देखते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रॉय का हो गया है डिस्ट्रक्टिव हो गया है। अगला देखते हैं एजुकेट, एजुकेटिव हो गया है। फिर अगला देखते हैं एमिटेट, एमिटेटिव, ठीक है, टी आई वी और जुड़ गया लेकिन ई जो है वो हट गया है। और फिर देखते हैं इनफॉर्म, इनफॉर्मेटिव हो गया, इनफॉर्मेटिव, ठीक। इन्वेंट का देखते हैं, इन्वेंट का इन्वेंटिव हो गया। मेडिएट, मेडिटेट, मेडिटेट का मेडिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि सेकंड नियम के अंतर्गत जो है टी आई वी ई जोड़ देने से भी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाते हैं। इन सब में देखा कि टी आई वी ई जोड़ते गए, टी आई वी ई जोड़ते गए, यहाँ बस डी पहले टी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है,
और फिर जोड़ा गया है, और डिसाइड में बस ध्यान रखना है डीसी वो हो जाता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म, बाकी सब में टी आई वी जोड़ते जाना है। तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं वर्ब फॉर्म से एडजेक्टिव फॉर्म। तो इस प्रकार हमने दो नियम पढ़ चुके हैं, जो एक पहला देखा था एविल जोड़ के एडजेक्टिव बनाना, दूसरा देखा हमने टिव जोड़ के, अब तीसरा देख लेते हैं एफ यू एल जोड़ के भी किसी भी वर्ब में जब आप एफ यू एल जोड़ देते हैं तो भी एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं केयर, तो केयर क्रिया में यदि एफ यू एल जोड़ दिया जाए तो केयरफुल बन जाता है। चीयर में सी एच डबल ई आर, जो चीयर प्रसन्न होना होता है, चीयरफुल बन जाता है। इसी प्रकार से डिलाइट में जोड़ देते हैं तो डिलाइटफुल, इम्पावर का पावरफुल होता है। ये आपको महत्वपूर्ण है जो याद रखना है, ठीक है ना। इम्पावर का मतलब होता है शक्तिशाली होना, पहले से यदि हम ध्यान दें ना, इम्पावर मतलब शक्तिशाली होना, जबकि इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो पावर होता है, और नाउन में ही हम एफ यू एल ज़्यादातर जोड़ते हैं तो पावरफुल बन जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, इम्पावर क्रिया है जबकि पावर यहाँ पे नाउन है और पावरफुल उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और यदि हम बात करें केयर का, केयर ही नाउन फॉर्म भी होता है केयर, चेयर का नाउन फॉर्म चेयर होता है, डिलाइट का डिलाइट होता है, फोर्स का नाउन फॉर्म फोर्स ही होता है, उसमें एफ यू एल और जोड़ देते हैं फोर्सफुल होता है, हार्म का एफ यू एल जोड़ देंगे हार्मफुल, होप का होपफुल हो जाएगा, और देखते हैं हेट का हेटफुल हो जाता है, जबकि वंडर का देख लेते हैं वंडर का वंडरफुल हो जाता है, और फेथ का फेथफुल हो जाता है। एक जे बहुत महत्वपूर्ण है ब्यूटीफाई, जे आप याद रखेंगे, ब्यूटीफाई से पहले बना है शब्द ब्यूटी, बना है ब्यूटी, ब्यूटी मतलब होती है सुंदरता, और जे सुंदरता जो है जे है नाउन फॉर्म, जे है यहाँ पे वर्ब फॉर्म ब्यूटीफाई होती है, जबकि यहाँ पे नाउन फॉर्म जो होता है ब्यूटी होता है, और इसका जे बना दिया जाता है एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो एडजेक्टिव फॉर्म आप ज़्यादातर दो याद रखें, जैसे इम्पावर का क्या होता है, पावर नाउन फॉर्म होता है, पावरफुल एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जबकि ब्यूटीफाई जो है क्रिया होती है, ब्यूटी नाउन होता है, जबकि ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। इस प्रकार से हमने ये सीखे कि वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो आप। तो एडजेक्टिव बनाने के हमने तीन नियम देखे, तीनों नियम जो हैं आपको कैसे लगे हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए, और आशा करते इन्हीं जो एडजेक्टिव फॉर्म आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे आप इसी प्रकार से आप बना लोगे। जय हिंद, जय भारत।